दिल्ली से अभी लास्ट। दोस्तों नमस्कार, स्वागत चैनल एमिश्रा ब्लॉग पर। और जैसा कि अभी मैं हूँ दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन, आप इसे ये तो मेन स्टेशन है इसलिए दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन ही कहेंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर विवेकानंद पुरी हॉल्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको आगे दिखाएंगे। लोकल ट्रेन जो जाती है रोहतक की तरफ, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, साइड में है, जहाँ से लोकल ट्रेन नई दिल्ली से आती है या गाज़ियाबाद से आती है, पलवल तरफ से आती है, तो उसका अलग तरफ है। और ये जो है जो बड़ी लाइन चलती है, जो एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह जाती है, वो उसके लिए है, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन से। दोस्तों आपके सामने देख लीजिए है दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन। समुद्र तल से ऊंचाई 220.95 मीटर, और यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं। और ये रास्ता गया हुआ है सीधा, ये गया हुआ है दो तरफ निकलेगा, दयाबस्ती आगे स्टेशन आएगा, उससे एक पटेल नगर की तरफ होते हुए, कैंट होते हुए जयपुर की तरफ, और एक रोहतक की तरफ। ये स्टेशन है दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन। देखिए ये यहाँ से 650 मीटर लंबा है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चले जाते हैं, या 2 पे ही से आगे ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से आप कुछ दिखाएंगे। तो ये है दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन। मैं क्योंकि जो ट्रेन से आया था लोकल ट्रेन, वो लोकल ट्रेन से आने का मतलब यही होता है, जो अंदर अंदर आप सब कुछ देख लेते हैं। तो ये इधर जो जाएंगे तो इस साइड में आपका आएगा नई दिल्ली की तरफ। वैसे ये स्टेशन लास्ट है इस रूमत एक्सप्रेस का मेरे हिसाब से, बाकी मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जाती होगी, बुक किया जाता होगा, तो इसलिए यहाँ पे बुकिंग वाला सिस्टम है। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं और वहाँ से ऐसे करके घूमें और फिर आगे आपसे हम बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी मैं आप देख रहे हैं, मैं बाहर से अंदर आया और मैं यहाँ से क्यों अगला स्टेशन जाना है आपको स्टेशन सारे में दिखाऊँगा, तो झलक आपको दिखाएँगे। अगर वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ सिर्फ यही बताऊँगा जो अगला स्टेशन पिछला स्टेशन कौन सा है वो सब कुछ। अभी जो आप क्रॉस करते हुए देख रहे हैं वो ट्रैक को क्रॉस करके मैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 2-3 पे जा रहा हूँ, और आज मैं दूसरी बार दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन आया हूँ। इससे पहले जब मैं जामनगर गया हुआ था तो यहाँ से ट्रेन पकड़ी थी, रात में ही घर से निकला था क्योंकि स्टेशन का आइडिया नहीं था, और इस बार आया हूँ तो स्टेशन ट्रेन से ही आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ का अनुभव मिल रहा है। लोकल ट्रेन बहुत बढ़िया होता है, जो हम तिलक ब्रिज से होते हुए यहाँ पर आए हैं। दोस्तों तो अभी आपके सामने दिल्ली सरायरोहिला का प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 आपको दिख रहा है, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और फ्लाईओवर पे जाएंगे और वहाँ से कुछ और बातें करेंगे। तो ये स्टेशन है दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन, और इधर से आप जयपुर की तरफ निकलते हैं, यहीं से आप गुजरात की तरफ भी जाते हैं, और जो जयपुर होते हुए जाती है, लेकिन वो बाएं साइड। अभी जो सामने है वो सामने इधर एंड है, आप ये समझिए जो एक्सप्रेस ट्रेन की ये एंड है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी ट्रेन सटरिंग लगी होती है, लेकिन हम बाएं जाएंगे तो वहाँ पे लोकल ट्रेन है जो आगे रोहतक की तरफ जाएंगे या नई दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो आपको नई दिल्ली का जाना हो तो आपको छोटी लाइन नहीं मतलब EMU वगैरह पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों तो अभी आप देख रहे हैं मैं हूँ दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मुझे अगला स्टेशन भी जाना है जो कि दयाबस्ती है, और दयाबस्ती स्टेशन को आज हम भी उसको भी कवर करेंगे। आज 18/12/2022 का ये वीडियो आप देख रहे हैं, जब भी आप देखे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो जो है फिलहाल अभी सोमवार और बृहस्पतिवार, तो गारंटी है जो सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह के 8 बजे मिलेगा, उसके बाद आपको एक वीडियो अगले दिन भी हो सकता है शनिवार को। चलिए आगे से दिखाते हैं। फिलहाल अभी आपके सामने ये है प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 सरायरोहिला रेलवे स्टेशन का। काफ़ी सारे काउंटर बंद हैं, काफ़ी सारे खुले हुए भी हैं, तो जो भी है कारण नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये स्टेशन को आप झलक देखें दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन। ये धलोर एक्सप्रेस लगा हुआ है, फिलहाल अभी ये नहीं जाएगी, तो यहाँ पर ट्रेन आके एंड हो जाती है और हम यहाँ से फ्लाईओवर चढ़ेंगे और बायां नहीं जाएंगे, दाएं जाएंगे, छोटी लाइन की ट्रेन पकड़ेंगे और रोहतक की तरफ जाएंगे। आप अलाउंस सुनिए। जैसलमेर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 2:30 की देरी से चल रही है, इसके यहाँ 13:44।
दोस्तों ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, कुछ ऊपर से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म संख्या यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिख रहा है, जो कि आप ये कह सकते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हैं और लोकल ट्रेन के लिए भी उस साइड से है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर 6-7 प्लेटफॉर्म भी है और इस साइड भी देख काफ़ी सारे ट्रेनें यहाँ पे लगी रहती है, जो कि यहाँ पे एंड होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6-7 अगला है, तो 6-7 को भी देखेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ट्रेन यहाँ से दिखाई देता है, सरायरोहिला रेलवे स्टेशन। तो अगर हमें अभी आगे जाना है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेनें लगी रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये एंड होता है और आगे आपसे कुछ हम और बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और हमें छोटी लाइन से लोकल EMU से हमें आगे जाना है। आइए चलते हैं। तो देखिए वहाँ से हम आ गए, अब आपको हम दिखाते हैं दिल्ली सरायरोहिला। आपने स्टेशन देखा, अब हम आपको विवेकानंद पुरी हॉल्ट दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दो स्टेशन आपको एक साथ देखने को मिलेगा, एक विवेकानंद पुरी हॉल्ट जो आपको उसमें नहीं दिखाई देगा इंडियन रेलवे इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन आपको दिखाई देगा। तो दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन और विवेकानंद पुरी हॉल्ट आप दोनों एक साथ देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। फिलहाल आपने देखिए ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री उस पार जो है वो आगे से दिखाते हैं। समझिए ये जो फ्लाईओवर है, आप इसको पकड़िए, फ्लाईओवर पे जो अभी ये जो आप मालगाड़ी जाते हुए दिख रहे हैं ये जा रही है, इसका जो अगला स्टेशन है वो है आपका किशनगंज रेलवे स्टेशन, और उससे जो आगे है वो है सदर बाज़ार और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए जो लोकल EMU ट्रेन जाती है, जो रोहतक वगैरह से आती है, सकुर बस्ती से जो आती है वो इसी पे आती है। अब हम एंड में हैं, अब यहाँ से आपको इधर घूम के दिखाते हैं। ये आप देवाल देख रहे हैं, देवाल के उस पार बहुत सारे ट्रेन लगी हुई है जो आपने देखा, उसको दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन कहते हैं। ये जो फ्लाईओवर पे आप चढ़ेंगे तो दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे, और इधर मैं घूम जाता हूँ आपके सामने। देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा है आपको, विवेकानंद पुरी रेलवे हॉल्ट, ये आप हॉल्ट देख सकते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, मैं विवेकानंद पुरी हॉल्ट दिखाऊँगा। आइए हम दोनों स्टेशन एक साथ कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा मैं दोनों स्टेशन एक साथ कवर कर रहा हूँ, मतलब दोनों एक ही जगह है। एक तरफ दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन, जो कि समझ लीजिए अपने हिसाब से एंड है, वहाँ पे इधर से जो ट्रेन जाएगी जयपुर की तरफ, उसके बाद आपका शायद रोहतक भी तरफ जाए, इतना कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जयपुर तरफ जो जाएगी, जितनी भी दिल्ली सरायरोहिला से जो ट्रेन जाती है वो इधर ही जाती है, इधर नहीं जाती है। आपको दिल्ली सरायरोहिला आना होगा, और वो कैसे आएंगे तो आप विवेकानंद पुरी हॉल्ट आ सकते हैं, और ये हॉल्ट से ही आपको सीधे आपको सरायरोहिला स्टेशन पे जाना है। तो दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन आने के लिए आप कहीं से भी, अगर नोएडा वगैरह से आते हैं और आपके दिल्ली सरायरोहिला से अगर आपकी ट्रेन है, तो आप विवेकानंद पुरी हॉल्ट का EMU ट्रेन पकड़ लें, जो कि दिल्ली से जो सकुर बस्ती की तरफ, या पलवल सकुर बस्ती, गाजियाबाद सकुर बस्ती, दिल्ली से सकुर बस्ती, जो भी ट्रेन लोकल EMU DME चलेगी वो हर एक ट्रेन हर हॉल्ट पे रुकती है। तो विवेकानंद पुरी हॉल्ट ही पर ही आप उतरें, और यहाँ से बगल में दिल्ली सरायरोहिला स्टेशन है, आप बाहर बाहर मेट्रो के चक्कर में भी से आ सकते हैं, लेकिन मेट्रो का मैं नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल आप स्टेशन कैसे पहुँचेंगे, नोएडा की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, या कहीं भी तरफ से, आप EMU पकड़ें, और EMU से जो पलवल से सकुर बस्ती, गाजियाबाद से सकुर बस्ती, हो सकता है पुरानी दिल्ली से भी सकुर बस्ती आती होगी, तो उससे आप आ सकते हैं कहाँ, विवेकानंदपुरी हॉल्ट, और विवेकानंदपुरी हॉल्ट से आप चले जाएं दिल्ली सरायरोहिला रेलवे स्टेशन। चलिए आगे से आपको दिखाते हैं, चैनल पर यही सब कुछ जानकारी मिलेगा और स्टेशन का वीडियो आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्यार जोर दिखाएं, धन्यवाद। तो अभी आपने सामने विवेकानंदपुरी हॉल्ट में स्टार्टिंग से ही समझ लीजिए मैं हूँ, और अंत तक जाएंगे और पूरा हॉल्ट आपको हम दिखाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विवेकानंद पुरी हॉल्ट, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए अब जो इधर से ट्रेन जो आएगी, उस ट्रेन से हम जाएंगे आपका सकुरपुर बस्ती जी। तो थोड़ा सा गैम्बल नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ये हॉल्ट है, प्रॉब्लम
ये आएगी, वीडियो थोड़ा सा हिलता हुआ दिखेगा। हम बेसिकली आए थे आपको विवेकानंदपुरी हॉल्ट ही दिखाने के लिए, तो मुझे दिल्ली से ओला का जानकारी का अभाव था, तो अभाव भी आपको यहाँ पे उसकी पूर्ति कर दिया। यानी कि दिल्ली से ओला स्टेशन अगर आप आते हैं, उसके लिए अगर आप आसान तरीके से आना चाहते हैं तो आप विवेकानंदपुरी हॉल्ट पे आएँ। मैं अब कहीं भी मुझे अगर दिक्कत होगा या मैं कहीं से भी अगर दिल्ली से ओला रेलवे स्टेशन आने में जो हम लोग को नोएडा से तकलीफ़ होता था, वो तकलीफ़ अब मेरा तो दूर हो गया, क्योंकि मैं इस बार ये समझ में मुझे आ गया जो कैसे हमें दिल्ली सहेवला स्टेशन आना है, उसके लिए मुझे विवेकानंदपुरी हॉल्ट आना होगा और बड़े आराम से मैं नोएडा से आ सकता हूँ या कहीं से भी आया जा सकता है। यहाँ दो प्लेटफॉर्म हैं जो विवेकानंदपुरी हॉल्ट को माने तो दो प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म संख्या 1 प्लेटफॉर्म संख्या 2, बैठने के लिए काफ़ी सीट है। अब यहाँ पर देखिए दो ही चीज़ है, इधर जो ट्रेन जाएगी वो सकुर बस्ती की तरफ जाएगी, पीछे जो ट्रेन जाएगी वो नई दिल्ली की तरफ जाएगी, लेकिन पिछला स्टेशन जो है वो आपका है दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन, और अगला स्टेशन जो है वो है दया बस्ती रेलवे स्टेशन। तो चलिए, और इस तरफ जो है वो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म, ये 1-2 मान के चलिए, इसमें कहीं लिखा भी होगा देख लेंगे। तो 2 प्लेटफॉर्म हैं विवेकानंदपुरी हॉल्ट का। बिना स्किप किए हुए आपके साथ में चल रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये मेन पार्ट मेरा था विवेकानंदपुरी हॉल्ट दिखाना, दिल्ली सहेवला रेलवे स्टेशन आपको हमने नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन एक्चुअल में विवेकानंदपुरी हॉल्ट ही दिखाने का मेरा प्रयास था। ये नीम का पेड़ है सामने, गिलहरियाँ देखिए काफ़ी मस्ती करता हुआ, पानी का काफ़ी सुविधा और यहाँ पे बैठने का काफ़ी कुछ सीट है। तो 2 ट्रैक यहाँ पर हैं दोनों साइड, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2, और यहाँ पर जब ट्रेन आएगी उसी ट्रेन से मैं जाऊँगा अगला स्टेशन और फिर वापसी भी मैं वैसे करूँगा। वीडियो थोड़ा सा हिलता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन आपको भी आज सूचना मिला होगा कि इस तरह से विवेकानंदपुरी हॉल्ट आने से ही हमें दिल्ली सहेवला रेलवे स्टेशन पे हम जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हॉल्ट है वो दिल्ली के अंतर्गत आता है, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में टोटल जितने भी स्टेशन हैं मैं अभी उसको ही कवर कर रहा हूँ। आगे चल के जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम आपको बहुत सारे अलग अलग स्टेशन का वीडियो दिखाएँगे। एक व्यक्ति जो लगातार ये देख रहे हैं जो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे है एक फ्लाईओवर, एक्चुअली इंडियन रेलवे पे इंफॉर्मेशन पे जो फोटो दिखता है वही फ्लाईओवर के साथ साथ ये वाला दिखता है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये है विवेकानंदपुरी हॉल्ट, हॉल्ट EMU ट्रेन यहीं पे आएगी और हम आगे शुरुआत से लेके अंत तक। ये है आपका विवेकानंदपुरी हॉल्ट का अंतिम छोर, आगे फ्लाईओवर है और यही फ्लाईओवर आपको दिखाई देता है आपको इंडियन रेलवे के फ़ोटो में। तो ये है आपका विवेकानंदपुरी हॉल्ट। दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। आज 18/12/2022 का ये वीडियो मैंने संडे के दिन आप लोगों के लिए निकाला और मैं जो वीडियो बनाया इससे पहले मैंने दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन का वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखें, और इसका अगला जो ब्लॉग बनेगा वो बनेगा आपका इसी का अगला स्टेशन जो है वो स्टेशन है आपका दया बस्ती रेलवे स्टेशन, तो उसका ब्लॉग बनाएंगे और वह आज संडे है तो 3 ब्लॉग बनाएंगे। आपको 3 दिन मिलेगा, 2 वीडियो आपको इसे बताता हूँ अभी फ़िलहाल मिलेगा सोमवार को और बृहस्पतिवार को सुबह के 8 बजे, और उसके बाद अगर मैं एक दिन में 3 वीडियो बनाता हूं तो फिर सैटरडे को भी आपको वीडियो मिलेगा। तो हो सकता है इस बार आपको इस हफ्ते में 3 वीडियो देखने को मिले और उसके बाद आप वीडियो देखते होंगे तब तो आपके लिए काफ़ी सारे वीडियो हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो स्टेशन बना रखा है तो उसको भी देखें। तो चलिए इस स्टेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और यहाँ से हम विदा लेते हैं, कहाँ के लिए अगला स्टेशन के लिए ट्रेन का इंतजार करेंगे और फिर हम अगले ट्रेन से हम जाएँगे दया बस्ती। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहे खुश रहे, जय हिंद जय भारत।